जोहार झारखंड, जय झारखंड। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे और आप सकुशल रहें, इसकी कामना करते हैं। और फिलहाल आज अंतिम चरण का जो चुनाव है उसका दौर थम चुका है, यानी दुमका और गोड्डा और शायद राजमहल में चुनाव है, तीन लोकसभा की सीटों पर। और ये लोकसभा का चुनाव झारखंड की राजनीति में एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। परिणाम में हार जीत क्या होगा वो अलग विषय है, लेकिन परिणाम हमारे पक्ष में है, क्योंकि एक ओर इंडिया गठबंधन जहां सैकड़ों किस्म के तेज तरार अनुभवी देश में विख्यात राजनेता, एनडीए साइड में भी उसी प्रकार सैकड़ों विश्वविख्यात देश विख्यात राजनेता, और उसके बीच आप इंडिपेंडेंट अकेले बिना बूथ मैनेजमेंट के, बिना स्ट्रेटजी के, केवल अपनी विचारधारा से चुनाव में उतर आना, फाइट करना, ये बहुत बड़ी बात है। तो खैर, ये चुनाव हमारे लिए, हमारे नए संगठन के लिए पुष्पित पल्लवित हो रहे इस संगठन के लिए एक आशा की किरण है कि हम फलित भी होंगे और निश्चय झारखंड की राजनीति में स्थापित करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, सभी को जोहार। अजय दा जोहार, अनिल दा जोहार, चंद्र मोहन दा जोहार, उत्तम अष्टम दा जोहार, राजू महतो दा जोहार, सबके जोहार। महफूज आलम दा जोहार, जी जी संकेत दा जी, अभी परीक्षा जी क्षेत्रीय भाषा को लेकर सर्वे हो रहा है, सूचना हम तक मिली है। अच्छा, क्या लिख रहे हैं आप? कुड़माली को काटकर कहीं दूसरे भाषा में लिख दिया जा रहा है। देखिए, ऐसा होना गलत है, क्योंकि झारखंड की एक महत्वपूर्ण भाषा है कुड़माली। अगर कोई इसके साथ छेड़छाड़ कर रहा है संकेत दा, तो ये हम खेद प्रकट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ये गलत हो रहा है। किसी भी भाषा के साथ, झारखंड की जो भी भाषाएं हैं उनके साथ किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, उनके साथ किसी भी प्रकार का दोहन नहीं होना चाहिए। भाषा ही झारखंड को जिंदा रखेगी, भाषा परंपरा झारखंड को जिंदा रखेगी। तो खैर, जहां का भी ये मामला है कि यदि लोग कुड़माली दर्ज कर रहे हैं और उसको काटकर किसी अन्य भाषा लिख दिया जा रहा है, तो ये मेरे हिसाब से कतई उचित नहीं है। बिल्कुल झारखंड की क्षेत्रीय भाषाओं में प्रमुख में से एक भाषा है, जैसे संथाल की संथाली, मुंडा की मुंडारी, कुड़मी की कुड़माली, कहीं नागपुरी, कहीं सादरी, तो कहीं और कुछ। तो सबकी अपनी अपनी भाषाएं हैं। झारखंड के बहुत सारे लोग अपने विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में, कहीं खोटा तो कहीं नागपुरी भी बोलते हैं, लेकिन जहां तक समुदाय के हिसाब से अगर बात कही जाए तो संथाल की संथाली, मुंडा की मुंडारी, कुड़मी की कुड़माली नो डाउट उनकी मातृभाषाएं हैं, क्योंकि उनके समुदाय से इन भाषाओं का संबंध है। अतः बिल्कुल किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। अगर कोई अपनी भाषा में जिक्र कर रहा है अपनी भाषा को, देखिए भाषा ही उस समुदाय को जिंदा रखेगी। तो इसलिए अगर कोई ऐसा साजिश कर रहा है तो ये गलत है संकेत दा। और बिल्कुल हम अपनी ओर से आग्रह करेंगे कि जो भी लोग हैं अपनी भाषाओं को बिल्कुल अपना तरहीज दें और अपनी मातृभाषा को जो सर्वे हो रहा है उसमें जरूर शामिल करें। बिल्कुल बिल्कुल, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो खेद है, क्योंकि भाषा ही एक मनुष्य को बचा के रखती है। तो बिल्कुल, जैसे संथाल समुदाय संथाली बोली जाती है, संथाल का संबंध संथाली से, मुंडा का संबंध मुंडारी से, तो कुड़मी का संबंध कुड़माली से है। तो कोई अगर छेड़छाड़ कर रहा है तो ये आप उसके लिए अलर्ट रहें, और बिल्कुल अलर्ट रहें, हम ये आग्रह करेंगे। तो खैर, बाकी सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि इस चुनाव में बहुत अच्छा कोऑपरेशन मिला। इस चुनाव में सभी वर्ग, सभी समुदाय उनका एक आशीर्वाद मिला, इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों ने जो उम्मीद ने, पिंटू चौहान दा धन्यवाद, लता दी जोहार, नेहरू दा जोहार, राजू दादा जोहार, संजय सिंह दा जोहार, तो हम लोगों ने जो आशा और अपेक्षा नहीं किया था, उस आशा और अपेक्षा से बढ़कर लोगों ने मतदान किया है। चुनाव का रिजल्ट क्या होगा उस पे मत जाइए, आप बिना किसी बूथ मैनेजमेंट के, आप नए नए राजनीति में कदम रख के, दो साल आपका राजनीतिक करियर और आप संसदीय चुनाव लड़ते हैं और धाक से लड़ते हैं, आठ सीटों पे लड़ते हैं और त्रिकोणीय मुकाबला बना के लड़ते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए आप निश्चिंत रहें, आपका जो आशीर्वाद और विश्वास मिला है, इस आशीर्वाद को, इस विश्वास को हम लोग कायम रखेंगे और अंतिम रक्त तक संघर्ष करेंगे। हम लोग राजनीति में सत्ता का सुख भोगने के लिए नहीं आए हैं,
संघर्ष करने के लिए आए हैं। संघर्ष हमारा जीवन है। मलेशिया से जोहार रमेश दादा, आप जिंदाबाद। जनता जनार्दन जिंदाबाद, जनता के कारण यहां में। पंडित दा जोहार, जोहार जेकी दा, जोहार सिंह साहब सबको जोहार। विनोद दा लोहर दग्गा, हम लोग जल्द आएंगे, बहुत जल्द आएंगे। और साथ ही ये सूचना भी मिली है जैसे कि देवेंद्र दा लाइव आकर कुछ चीजों पे बात किए हैं वोटिंग परसेंटेज बढ़ने को लेकर, तो खैर ये ऑल ओवर इंडिया में हुआ है। अब इसके पीछे कुछ साजिशें हैं या फिर कुछ मैंने इशू हैं, कुछ टेक्निकल फॉल्ट हैं, ये तो खैर चुनाव आयोग जाने। लेकिन हमें आशा है एक निष्पक्ष चुनाव हुआ है और निष्पक्ष चुनाव के साथ जो भी जनता का जनादेश है उसे देश भी स्वीकार करेगा और चुनाव आयोग भी स्वीकार करेगा। हालांकि जो देवेंद्र दा लाइव आकर जो बयान उन्होंने दिया है तो कहीं ना कहीं उनके बयान में तर्क है कि 58 या 59% नरेश दा जोहार, शाहनवाज दा जोहार, 58 या 59% का वोटिंग बताया गया है और फाइनल में 72 घंटे बाद 64 यानी 5 से 6% इंक्रीज दिखाया गया है। इस बात को लेकर रांची सांसद संजय सेठ ने भी चिंता जताई है। तो और ये केवल झारखंड की कुछ सीटों में नहीं, ओवरऑल इंडिया में बल्कि इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। हिंदुस्तान के पेपर में मैंने पढ़ा है, आप सभी ने पढ़ा होगा कि चुनाव के समय, जैसे चुनाव का मतदान का समय समाप्त हुआ उस समय क्या परसेंटेज था और दो दिन तीन दिन बाद जो अंतिम सर मैंने लिखाया गया रिपोर्ट उसमें क्या अंतर है, तो ये अंतर तो दिखा है। तो खैर उम्मीद करते हैं जो भी सलमान दा जोहार, अर्जुन दा जोहार, सूरज दा जोहार, दमन साहब दा जोहार, चंद्रमोहन दा जोहार, कुमार सोनू दा जोहार, तो आशा करते हैं कुछ अप्रियता और अप्रिय और अनहोनी विषय। चेतन जी बिल्कुल बिल्कुल रांची जीत रहे हैं, क्यों नहीं जीतेंगे, गिरिडीह जीत रहे हैं, रांची जीत रहे हैं, कोडरमा, हजारीबाग, चतरा, दुमका, सिंहभूम, हर जगह हम लोग अच्छी उपस्थिति दर्ज कराए हैं। और ये झारखंड के लिए लोकतांत्रिक देश में तो सुखद संदेश है कि नो कोई तामझाम नहीं, कोई पॉलिटिकल फादर नहीं, गॉड फादर नहीं, कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई 20 साल 25 साल का एक्सपीरियंस नहीं। 2-2.5 साल में नौजवान अपने जुनून से चुनाव लड़ते हैं और टक्कर मिला के खड़ा हो जाते हैं, तो ये गर्व का विषय है बिल्कुल। तो बाकी सब कुछ जोहार झारखंड, जय झारखंड। और एक विशेष सलाह देंगे, देख सकते हैं हमारे चेहरे को भी देखिए और आप अपने चेहरे को भी देखिए कि आज अभी शाम को 6:30-6 बजे संजय दा जोहार आपको कि आज इस समय शाम को इतना पसीना, शाम को छत के ऊपर में ये पसीना भैया, तो झारखंड का मतलब क्या होता है आप भूल चुके हैं, झारखंड का मतलब आप भूल चुके हैं, झारखंड का मतलब, इसलिए हमारे साथ ये दुर्दशा हो रही है। और आज संभलिए, नहीं तो हमें लगता है कि आने वाले कुछ सालों में हम लोग शायद इस झारखंड के भूभाग में जीवन यापन करने के लायक रहेंगे कि नहीं, इतना गर्मी। इसलिए गर्मी से बचिए, गर्मी के प्रकोप से बचिए। मेरे जितने भी साथी हैं, मेरे चाहने वाले और नहीं भी चाहते हैं, उनसे कोई बुरा नहीं, चुनाव में नहीं चाहते बात अलग है, मानवता है, हम सबके बारे में यही भला कहेंगे कि गर्मी से बचिए। नंदन रावदा जल्द ही देवघर आएंगे, सलमान दा जरूर हम लोग अच्छा करेंगे। तो आपसे भी आग्रह है गर्मी से बचिए, बहुत खराब स्थिति है। बिल्कुल सहदेव दा, बहुत खराब स्थिति है अभी, पता नहीं पारा 45 से 46 से 47 से जो भी है, अगर पारा 50 के पार चला जाएगा तो क्या होगा समझिए। सुशांत दा धन्यवाद, कृष्णा दा युवा मोर्चा दिग्भ्रमित नहीं होने देंगे, जल्द ही हम लोग मैदान में डटेंगे। वसीम खान दा आदाब, तो बिल्कुल आप गर्मी से बचिए, अपने आप अपने परिवार को भी बचाइए, ये जानलेवा गर्मी टाइप का फीलिंग हो रहा है। आप सभी से प्रार्थना है घरों में रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और सावधान रहें, और साथ ही साथ पेड़ लगाइए, आग्रह है पेड़ लगाइए, जैसे ही बारिश का मौसम आएगा सब पेड़ लगाइए। इतना हम लोग दुनिया से इतना मोबाइल में मत खो जाइए और इतना हम लोग आधुनिकता की ओर मत पड़िए कि हम लोग जंगल से नाता तोड़ लें, जंगल से नाता ना तोड़े। जाबिर दा बिल्कुल डुमरी से हम लोग लीड रहेगा, प्रवासी मजदूर को हमसे उम्मीद है, उस उम्मीद पर खरा उतरेंगे। काजल महतो जी जोहार, तो इसलिए पेड़ लगाइए, आप सभी से आग्रह होगा पेड़ लगाइए, पेड़ लगाइए, पेड़ लगाइए, बहुत स्थिति खराब है, कृपया पेड़ लगाइए, आपसे आग्रह होगा। चित्रंजन तिवारी दा ठीक है, फोन नहीं लग रहा है दादा, तो एक काम कीजिए आप हमारे आवास पर चले आइए। बिल्कुल यदुवंशी दा आप सही बोले, जिस प्रकार से चंद मुट्ठी भर अमीरों को ये जंगल बेच रहे हैं, हसदेव जंगल को कटाई किया गया, मुझे लगता है इसका बहुत दुष्परिणाम होगा।
कुसुम पांडे दी जोहार आपको। बहुत दुष्परिणाम हो रहा है पेड़ काटने का, जंगल काटने का, चंद अमीरों की लालच में देश की संपत्ति का नुकसान करके जो आप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत दुखद हो रहा है। पेड़ लगाइए, पेड़ लगाइए, आपसे आग्रह करेंगे। जोहार झारखंड, जय झारखंड।